नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़िया। पंत जब टीम इंडिया में आए थे तब से उन्हें धोनी का उत्तराधिकारी कहा जा रहा है। शायद इसी वजह से टीम मैनेजमेंट, कप्तान, कोच सभी ने पंत के कंधे पर हाथ रख कर कहा हुआ है कि जाओ बेटा, मैदान में भला करेगा भगवान। और शायद यही वो बड़ी वजह है जब पंत पर भारी पड़ गई है। धोनी के उत्तराधिकारी मानने की वजह से पंत पर दबाव आ गया है। आलम ये हो गया है कि पंत ना खेल पा रहे हैं और ना ही विकेट कीपिंग कर पा रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व विकेट कीपर फारूक इंजीनियर का भी यही कहना है कि उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया है कि पंत पर इतना दबाव है कि अगर उनसे कैच छूट जाए तो फिर वो अगली गेंद पकड़ने से भी डरते हैं कि कहीं फिर से कोई गलती ना हो जाए। फारूक इंजीनियर का मानना है कि खराब प्रदर्शन और ज्यादा उम्मीदों की वजह से पंत का मनोबल गिर गया है। टीम में बल्लेबाजी कोच है, फील्डिंग कोच है, लेकिन ऋषभ पंत को फील्डिंग कोच क्या बताएगा। हर कोई पंत की आलोचना करने के लिए मौजूद है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। अब तो आलम यह हो गया है कि अगर उनसे कैच छूट जाए तो उन्हें गेंद पकड़ने से भी डर लगता है। फारूक इंजीनियर का मानना है कि पंत के अंदर टैलेंट है लेकिन उनकी विकेट कीपिंग तकनीक में खामियां हैं, वो जल्द ही उसमें सुधार करेंगे। फारूक इंजीनियर ने बताया कि वर्ल्ड कप के दौरान वो ओल्ड ट्रैफर्ड में पंत से मिले थे जहां उन्होंने उनकी विकेट कीपिंग पर चर्चा की थी। हमने आधे घंटे तक बातचीत की, अगर वो मेरे साथ दो या तीन नेट सेशंस करते तो बेहतर विकेट कीपर होते। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल पंत वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले T20 और वनडे सीरीज की तैयारी में जुटे हैं। हैदराबाद में दोनों टीमों के बीच पहला T20 6 दिसंबर को खेला जाना है। हमेशा की तरह उम्मीद इस बार भी है। उम्मीद है कि पंत का बल्ला चले और वो कोई धमाकेदार पारी खेलकर अपने फैंस को खुशी दे, क्योंकि उनके बल्ले से रनों का सूखा है और देश उनके रनों का भूखा है।